तमिलनाडु में भारी बारिश कहर ढा रही है। भारी बारिश से चेन्नई के कई इलाके बेहाल हैं। कुछ हिस्सों में भारी बारिश के बाद जल जमाव से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच वहां से ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखने के बाद इस महिला पुलिस इंस्पेक्टर की हिम्मत की हर कोई मिसाल दे रहा है। चेन्नई के टीपी छत्रम इलाके का ये वीडियो है जहां एक कब्रिस्तान में बेहोश पड़े युवक को पुलिस इंस्पेक्टर राजेश्वरी अपने कंधों पर उठाती हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि वो बेहोश पड़े व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर ऑटो तक ले गई और उसे आनन फानन में तेजी से पास के अस्पताल भिजवाया। ये वीडियो जैसे ही सामने आया वायरल हो गया। लोगों ने इस महिला पुलिस इंस्पेक्टर को बाहुबली नाम दिया, साथ ही सभी उनकी हिम्मत को सलाम कर रहे हैं। We welcome the auto and send my police to the auto and sent to the KMC hospital. महिला इंस्पेक्टर इस वीडियो में फिल्म के किसी हीरो से कम नहीं लग रही। लोग इंस्पेक्टर को रियल हीरो कह रहे हैं। हर कोई महिला इंस्पेक्टर की तारीफ कर रहा है। किसी ने इंस्पेक्टर राजेश्वरी के इस काम को मानवता की मिसाल बताया तो किसी ने इसे महिला सशक्तिकरण और समानता करार दिया। जानकारी के मुताबिक शख्स कब्रिस्तान में कार्यरत था। कल रात भारी बारिश को देखते हुए किलपौक कब्रिस्तान में वो सो गया था। अचानक तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ उखड़ गया और युवक उसमें फंस गया। जैसे ही इसकी सूचना महिला निरीक्षक राजेश्वरी को मिली, वो दमकल कर्मियों के साथ मौके पर पहुंची, पेड़ को हटाकर असली सूर्यवंशी की तरह इस युवक की जान बचाई। गौरतलब है कि तमिलनाडु में भारी बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। इस बीच 20 जिलों में बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।